1 hour later. फ्रेंड्स वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। तो आज की शुरुआत हुई थी सत्तू पीने से और फिर हमने खाया था पोहा। आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस खाने पीने का ब्लॉग है ये। और ये छोटी सी वीडियो है मेरे बेटे की, जब वो मात्र 1 साल का था। मुझे बहुत क्यूट लगी इसलिए मैंने आज इस ब्लॉग में डाल दिया। आप बताइएगा कमेंट में आपको मेरा बेटू कैसा लग रहा है। फिर क्या था, फिर हमने खाई पेस्ट्री जो कि बहुत ही टेस्टी। और ब्रेकफास्ट होने के बाद से सिंपल सा लंच था जिसमें तुरई की सब्ज़ी थी, कुंदरू की सब्ज़ी थी, आमरस था और रोटी था। बस सिंपल सा था। खा पी करके हम लोग रेस्ट करेंगे। मायके में दो ही काम ही रहता है, खाओ पियो और रेस्ट करो। अब भाभी आ गई है तो मौज ज़्यादा है। पहले थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प करनी पड़ती थी, अभी भी कभी कभी करनी पड़ती है, जैसे कोई स्पेसिफिक सब्ज़ी बनानी हो तो। फिर पापा हमारे लिए लाए थे आइसक्रीम, तो कल रात से ही पड़ी थी फ्रिज में, किसी ने खाया नहीं, रात में इतना ठूस लिया था तो आइसक्रीम हमने सुबह खाई। आज मैंने बनाई थी रोटी, भाभी को मना कर दिया था क्योंकि मेरा मन था पापा को चुटकी रोटी खिलाने का। तो फटाफट मैंने रोटी बनाई, उस पर लगाया घी मस्त सा। पापा देख के भी खुश हो गए, कह अरे इतना डिजाइन वाला रोटी कहाँ से आ गया। हम तो पापा बोले पापा मैंने बनाया। तो बस यही था, मज़ा आया, सब लोग इंजॉय किए डिनर को। अच्छा लगता है यार, मायके में भी आओ, जब घर में फैमिली में सब कुछ अच्छा रहे, सब में प्यार रहे तो परिवार बहुत अच्छा लगता है। और परिवार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं जब बीमार पड़ी थी और मैं अकेली थी तो मुझे कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, मम्मी को मेरे साथ आके रहना पड़ा था। इसलिए परिवार होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा परिवार नहीं होता मेरे मायके में, मेरी भाभियाँ ऐसी नहीं होती, मेरी मम्मी ऐसी नहीं होती, तो पता नहीं मैं सरवाइव कर पाती या क्या हो जाता, मुझे नहीं पता। तो परिवार और परिवार में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ की सीख है ये। तो ये है थाली रेडी, कटहल की सब्ज़ी, आमरस और बोड़े की सब्ज़ी। हेलो पापा। हाँ। मम्मी। हाँ। वीडियो बनाती रहना। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी, गुड नाइट।